नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं बात करूंगी दिल्ली पुलिस का जो फाइनल कट ऑफ फाइनल रिजल्ट आया है उसका। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फाइल नंबर 8/1/2019 C1/2 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। मेन चीज़ यही है कि जो रिक्रूटमेंट हुई है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का, उसका जो फाइनल रिजल्ट है उसका डिक्लेरेशन क्या है। CAPF एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जामिनेशन 2019 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट उसका क्या है, आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाइड रिजल्ट डेट 10/12/2021 हैड शॉर्टलिस्टेड 4003 कैंडिडेट्स, 396 फीमेल एंड 3607 फीमेल फॉर अपेयरिंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस CAPF एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जामिनेशन। तो जो भी CRPF में और CISF में सिलेक्टेड हुए हैं, जो फाइनल हुए हैं, वेरिफिकेशन हुआ है, उसका टोटल का टोटल दिया गया है डिक्लेरेशन कि कौन से पोस्ट पे और कितने कैंडिडेट को लिया गया है। जैसा कि आपको पॉइंट नंबर 2 दिख रहा होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट एज पर नोटिस एंड बेस्ड ऑन द मेरिट कम फ्रेंड्स और फोर्स और फोर्स कैंडिडेट हैव बीन फाइनली सेलेक्टेड एंड एलोकेटेड टू द फॉलोइंग पोस्ट। देखिए कौन कौन से पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं दिल्ली पुलिस के अंतर्गत। तो सबसे पहले है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, दूसरा है कि सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे कि BSF आप लोग जानते होंगे, तीसरा है कि सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF में, चौथा है सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में, पांचवा है सब इंस्पेक्टर इन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBPF में, और पांचवा क्या है, छठा है सब इंस्पेक्टर इन सशस्त्र सीमा बल यानी सशस्त्र सीमा बल SSB में। देखिए पॉइंट नंबर 3 में है कि कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ 246 फीमेल कैंडिडेट्स प्रोविजनली क्वालिफाइड टू अपॉइंटमेंट आर एज गिवन बिलो। जैसे 246 जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको जो क्वालिफाइड किया गया है, कौन कौन से कैटेगरी के हैं उसको देख लेते हैं। तो आपको ये सारा का सारा दिख भी रहा होगा और ये जो है आपको दिल्ली पुलिस में किस प्रकार से ये सेलेक्ट किया गया है उसका बताया गया है। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ 246 फीमेल कैंडिडेट प्रोविजनली क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट आर एज गिवन। देखिए वैकेंसी SC में 40 था, ST में 19 थी और OBC में 60, EWS में 21, UR में 108 और टोटल था 248 वैकेंसीज। कैंडिडेट रिकमेंडेड कितना हुआ, SC में 40, ST में 19, OBC में 60, EWS में 21 और UR में 106 हुआ, कुल मिला के 246 कंप्लीट हुआ यानी दो इसमें पोस्ट बच गए हैं। नेक्स्ट है कि एक SC में 18 OBC एंड 6 EWS कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड एट यूआर स्टैंडर्ड, जो यूआर स्टैंडर्ड है उसकी नोट जो देखिए नोट में क्या है, दो वैकेंसीज अंडर यूआर कैटेगरी हैव बीन केप्ट अनटिल्ड अगेंस्ट टेम्पररी यूनिट कैंडिडेट्स, यू अनफिट कैंडिडेट यहाँ अनफिट कैंडिडेट्स किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द फीमेल कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर अलॉन्ग विद द कट ऑफ डिटेल मार्क्स ऑब्टेंड एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर गिवन बिलो। अब देखिए नीचे में क्या दे रखा है, इसमें ये कह रहा है कि जो पोस्ट ए का था कैटेगरी में था वैकेंसी फील्ड टोटल नंबर मार्क्स कितना आया है उसी को देखते हुए यहाँ पे आपको मार्क्स को दर्शाया गया है कि पेपर वन में 290.32702, पेपर टू में जो है 170.25 है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो बताया गया है, सब कुछ डेट ऑफ बर्थ यहाँ डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पे पेपर टू का मार्क्स है, यहाँ टोटल मार्क्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये सारा का सारा उसका मार्क्स डिटेल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
तो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स पेपर टू में कितना और डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कि जो ओबीसी फॉर दिल्ली मली 06, इसको कह रहे कैंडिडेट हु हैज़ फिल्ड कैटेगरी कोड 4 आर कंसिडर्ड एज ओबीसी फॉर दिल्ली पुलिस एंड यू आर और ईडब्ल्यूएस एज अप्लीकेबल फॉर CAPFS, ये यहाँ लिख रहा है। नोट 3 में क्या रहे, रो कॉरस्पॉन्डिंग टू रिपोर्ट्स एंड कैटेगरीज विथ नील रिपोर्टेड वैकेंसीज हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन दिस टेबल्स। और आपको नेक्स्ट जो बोल रहे वो है पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं, कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ 2480 मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट आर एज गिवन बिलो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। देखिए ये कितना सिलेक्ट किया गया है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पदों के लिए, तो उसका ये है डिटेल आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 6 ओबीसी एंड 8 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैव क्वालिफाइड एट यूआर स्टैंडर्ड। देखिए यूआर स्टैंडर्ड में कितना किया गया है कि 6 किया है ओबीसी का और जो 8 है वो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैव क्वालिफाइड एट यूआर स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट ये है कि एज पर पारा 3.2.2 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन 01SC एंड एक SC का है, एक OBC का है और 3 UR का है, कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड अगेंस्ट अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ESM। तो आपको ये है सब इंस्पेक्टर जो CAPF में कितना सिलेक्ट किया गया है, वो कितना वैकेंसीज थी, तो उसका टोटल कितना सिलेक्ट हुआ है वो नीचे दिख रहा है आपको ये सारा कुछ। फिर हम लोग इसमें देखते हैं तो यह कुल मिलाकर जो है कितना मार्क्स है, कितना डेट ऑफ बर्थ है, वो सारा पोस्ट वाइज डिक्लेयर कर दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और जो भी कैंडिडेट इससे जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ अपना चेक करें कि उनको कौन सा पोस्ट अलॉटमेंट किया गया है और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सब कुछ मैच कर सकते हैं, उनका मार्क्स कितना आया सब कुछ इसमें डिक्लेयर किया गया है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि बाद में डाउट रह सकती है। तो कंग्रेचुलेशंस उन सभी कैंडिडेट को जो सिलेक्ट फाइनली सिलेक्ट कर लिए गए हैं दिल्ली पुलिस के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर हो या फिर कोई भी पोस्ट जो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत दिया गया है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दिल्ली पुलिस हैज़ नॉट बीन प्रोसेस्ड बाय द कमीशन रिजल्ट अगेंस्ट डिपार्टमेंटल वैकेंसीज ऑफ दिल्ली पुलिस विल बी डिक्लेयर्ड बाय दिल्ली पुलिस, ये सारा कुछ है। और इसको जो ये आया है 31/1/2022 में, यानी कल आया है ये अंडर सेक्रेटरी 31 जनवरी का जो है ये लेटर इशू किया गया है 31 जनवरी को। तो साथियों ये थी आपका दिल्ली पुलिस से रिलेटेड नोटिफिकेशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।